आपके घर में कोई एक ऐसी चीज जो मैं बताने वाला हूं होती रहती है। अक्सर घरों में ये देखा गया है कि जब भी हम दरवाजे बंद करते हैं या खोलते हैं तो उनमें एक आवाज आने लगती है। धीमे धीमे जब वो आवाज बढ़ने लगती है तो वो आपको घर में नेगेटिव एनर्जी का संचार करने लगती है। आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, आपका वो मुख्य द्वार हो सकता है, आपके बेडरूम का दरवाजा हो सकता है, वो आपके किचन का हो सकता है, या वो आपके घर के कहीं की भी खिड़कियां यानी विंडो हो सकती हैं। जब आप उनको खोलते हैं और उनको बंद करते हैं और उनमें आवाज आने लगती है, यानी कि उनके जो कब्जे होते हैं जहां पर वो मूव करती हैं, चलती हैं, जहां पर वहां से आवाज आने लगती है, तो समझ लीजिए आपके घर में धीमे धीमे नेगेटिव एनर्जी का बास होना शुरू हो गया है, यानी कि उस आवाज से वो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में स्टोर हो रही है। और जब आपके घर में 3 या 4 दरवाजे से ज्यादा आवाज करने लगेंगे तो आप समझ लीजिए ये मेजोरिटी में आएंगे और आपके घर में नुकसान पहुंचाना शुरू करेंगे। क्या करना चाहिए, आज से ही आप ये प्रण करिए कि आपके घर में किसी भी दरवाजे या किसी भी खिड़की से आवाज नहीं आनी चाहिए, बंद करते समय और खोलते समय, खास तौर पर उनके कब्जे जो लगे होते हैं वहां से। यदि आवाज आती है तो आप समझिए नेगेटिव एनर्जी मेरे यहाँ आने लगी है और उसका नुकसान मेरे परिवार पर, स्वास्थ्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, मानसिक रूप से या पारिवारिक रूप से वो नुकसान करने लगेगी, तो आपको उनको तुरंत सही करना चाहिए और उस आवाज को बंद कराना चाहिए, लाभ मिलेगा।